सो दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर पर बिना किसी इनकम प्रूफ वाली लोन एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर फॉकेट पे जो फॉकेट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट लोन दे देगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, पर्सनल लोन ये प्रोवाइड करती है आपको। एप्लीकेशन काफ़ी पुरानी है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, 10 लाख इसके डाउनलोड हो चुके हैं, रिव्यू यहाँ पर 2.9 का है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे फॉकेट इंस्टेंट एक्सेस टू कैश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इंस्टेंट पर्सनल लोन सैलरी लोन जरूर लिखा रहा है इसमें, बट आप ये मत समझ के चलना कि सैलरी वालों को ये देगी। आगे मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो, या फिर सैलरी पर्सन हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, आप यहाँ से कैसे लोन अप्लाई करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन को सबसे पहले हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं ताकि जब तक ये इंस्टॉल हो तब तक इसके बारे में और भी जानकारी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम जो कि इसके पोस्टर वगैरह देख लेते हैं, पोस्टर वगैरह का यहाँ पर आपको मैं आगे समझा ही दूंगा। वैसे तो ये रहा रिव्यू, किसी के 5 स्टार दे रखे, किसी ने 3 स्टार और किसी ने 1 स्टार, पूरा यहाँ पर आपको जो कि देखने को मिल जाता है। ट्रस्टेड है सारे के सारे, कोई फेक रिव्यू ये देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है कि थोड़ा सा झलक में इसके अबाउट दिस एप्लीकेशन में जाके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। एप्लीकेशन यहाँ पर शॉप नो पे लेटर का ऑप्शन भी आपको देती है, यानी कि आप पहले अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे शॉप का शॉपिंग कर लीजिए और 1 महीने के बाद उतने पैसा कोई बिना एक्स्ट्रा चार्ज के वो पैसा पेमेंट कर दीजिए, तो ये वाला फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी इसने चालू किया है, यानी कि न्यू अपडेट में आया होगा, अभी हम देखते हैं इसका अपडेट कब आया है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 15,000 आपकी सैलरी यहाँ पर बतानी है, बाकी सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह आगे आपको बता दूंगा मैं कैसे आपको करना है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो देखने को मिल जाता है। की हाईलाइट एंड फीचर आपको देखने को मिल जाता है, 5,000 रुपये से लेकर आपको 2 लाख रुपये तक का लोन देखने को मिलता है। 0 से 36% आपका टेन्योर इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। 62 दिन से 365 दिन आपको यहाँ पर टेन्योर देखने को मिल जाता है। चलो बात कर लेते हैं कब अपडेट हुआ है इसका। 22 जुलाई 2024 को यहाँ पर अपडेट हुआ है, तभी से यहाँ पर जो है कि इसने शॉप नो पे लेटर का ऑप्शन लाया है। अब बात कर लेते हैं इसकी NBFC कौन सी है, तो NBFC फॉकेट इज़ वर्किंग विद RBI कंप्लेंट NBFC चित्रा फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, ये वाली NBFC इनकी है, ठीक है, तो आप इसके बारे में चेकआउट कर लेना मार्केट में। अब आ जाते हैं बाहर, बिना किसी टाइम गवाए हम करते हैं एप्लीकेशन को ओपन। अब जैसे आप ओपन करेंगे फॉकेट यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, जिसमें आपको कुछ परमिशन लेना होगा, तो परमिशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर पढ़ने के बाद आप जो है कि इसको अलाउ कर देना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे एग्री बटन पर क्लिक करना है। लोन फॉर ऑल योर पर्पस यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ऑल पर्पस में आपको लोन देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट मिलेगा डायरेक्टली इन योर बैंक। एजुकेशन लोन, शॉपिंग लोन, ट्रेवल लोन, ये सारे प्रकार के लोन आपको देखने को मिलता है। गेट स्टार्टअप हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है कि चाहे तो राइटली आप गूगल से साइन इन कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी से भी साइन इन कर सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल डिसबर्सल फुली ऑटोमेटेड एंड पेपरलेस है, 100% ट्रांसपेरेंट है। चलो जो है कि यहाँ पर कोई भी एक से मैं यानी कि गूगल अकाउंट से लॉग इन करके आपको आगे दिखा देता हूँ। एक गूगल अकाउंट से मैंने साइन इन किया है, उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर आपका जो आधार नंबर लिंक है मोबाइल नंबर से, जो भी आधार से मोबाइल नंबर लिंक वाला है वो वाले मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर फिल करने के बाद में आपको जो है कि इस पर दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, क्योंकि उस पर एक OTP वो भेजेंगे, OTP आपको डालना होगा। तो यहाँ पर हम जो है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के देन सेंड OTP क्लिक करके आगे आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि यहाँ पर आपकी डिटेल इस प्रकार दिखाई देगी, यानी कि सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म आएगा, तो ये मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, इसको समझा देता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी फॉर्म, इसमें आपको जो है कि आपका फुल नेम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है कि रवि मालवी मेरा फुल नेम डाल देता हूँ। देन आपको जो है कि यहाँ पर 31 जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो डालना है, जेंडर आपका सिलेक्ट करना है, आपका करंट पिन कोड क्या है वो आपको जो कि यहाँ पर चूज़ करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन आपका चूज़ करना होगा, तो हम जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट कर लेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड पर्सन आप वो वाला चूज़ कर लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैलरीड नहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को भी यहाँ पर दे देंगे। तो अगर आप बेरोजगार भी हैं और स्टूडेंट भी है तब भी आप जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन नेम जो भी आपकी कंपनी के नेम वो वाला चूज़ करना है। मंथली सैलरी आपकी कितनी वो यहाँ पर आपको फिल करना है। देन यहाँ पर आपको जो है आपका पैन नंबर फिल करना है। नीचे आपको जो है आपका पैन कार्ड पर जो नाम है वो वाला फिल करना है। नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज हमारे पास में आ चुका है आपके सामने, यू हैव फिल यूर एलिजिबिलिटी फॉर्म, और यहाँ पर हमें जो है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन अप्रूव इंस्टेंट क्रेडिट फॉकेट क्रेडिट लाइन
हमें जो कि क्रेडिट लाइन मिल गई है, टू गेट द मनी प्लीज़ क्लिक ऑन द प्रोसेस बटन, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं लाइव मैंने आपको दिखाया है, और यहाँ पर हम जो कि प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो कि कुछ परमिशन देना है, तो ये परमिशन आपको देने के लिए ग्रांट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर इन परमिशन को अलाउ आपको कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो जो यहाँ पर ऑफर मिलेगा और कुछ बच गया है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा और भी प्रोसेस करने का, तो ये वाली डिटेल्स भी आपको फिल कर देना है। हम एलिजिबल तो हो चुके हैं, हमें डेफिनेटली यहाँ से लोन तो मिलेगा। अब यहाँ पर आपको जो कि ये वाला फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको जो कि यहाँ पर फिल करना है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस आप कितने साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको यस, आपकी फैमिली की इनकम, ठीक है, अगर कम है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी डे आपकी कौन सी तारीख आती है वो आपको चूज़ करना है। डेजिग्नेशन आपको बताना है कि आपका क्या है आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कि जो भी आप है वो फिल कर देना ना, जैसे मैनेजर हो या कुछ भी आपको फिल कर देना। करंट एड्रेस डेटा आपको देखने को मिल जाता है, करंट रेसिडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो कि डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो कि परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको फिल कर देना है, अलग अलग है तो यहाँ पर आपको जो कि इसमें फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम जो है कि हमारा गांव का एड्रेस यानी कि जो आपका रियल एड्रेस है वो वाला फिल करना है, और ये सब फिल करने के बाद में आपको नीचे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ और अगर बच गया है तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये फिल किया, और देन हम जो है कि यहाँ पर डेजिग्नेशन में दूसरा फिल करते हैं इसको काट के। और यहाँ पर आपको जो है कि डेजिग्नेशन में अच्छे से देख सोच समझ के कर देना। हम कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद में जो भी प्रोसेस अगर बच गई है तो आपको एक बार देख लेना है। ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलो जी, ऑफिशियल ईमेल आईडी में आपको बता देता हूँ हम दोस्तों। ऑफिशियल ईमेल आईडी के लिए आपको जो ये वाली ऐसी ईमेल आईडी बना लेना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर ये वर्क करता है तो हम देख लेते हैं अभी, कंटिन्यू हम क्लिक करेंगे, देख सकते हैं वर्क कर लिया। तो flash.co जो है वो ऑफिशियल ईमेल आईडी आप उसको बना सकते हैं, मैं आपको उसका थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब हमने फिल कर दिया। आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर गेटिंग नो बेसिक डिटेल्स, प्लीज़ प्रोसेस टू लेट अस योर बैंक डिटेल्स। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको जो है इसका कंसेंट का देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इंटरव्यूअर नेम एज पर बैंक डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर आपका बैंक में जो है नाम वो आपको फिल करना है। तो हम देख सकते हैं नाम फिल कर दिया, देन आपको जो है कि यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद में एक और अकाउंट नंबर, और यहाँ पर ये सब कुछ आपको डालने के बाद में जो ऑफर आपको मिलेगा वो देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद में यहाँ पर आपका IFSC कोड वगैरह, तो आपका सब कुछ आ जाएगा। तो इस दिस यूर सैलरी अकाउंट है तो आपको यस और नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो, या अगर है तो यस, जो भी आप यहाँ पर क्लिक कर देना। तो हम फिलहाल तो यस कर देते हैं इसके बारे में। और यहाँ आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर फिल करना है, तो जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि वहाँ पर वापस से कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है, और आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लोन ऑफर देखने को मिल जाएगा। जो भी लोन ऑफर आपको मिलेगा वो आपको जो है कि यहाँ पर आप जो बैंक अकाउंट आपने फिल किया उस अकाउंट में आप वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बहुत ईजी प्रोसेस आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेटमेंट से भी काम चला सकते हैं अगर मांगेंगे तो, अगर नहीं मांगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो बस इतना ही, स्टूडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।